अभी अभी मैं वन पीस का हिंदी डब देख के आ रहा हूँ और इसके 5 एपिसोड देखने के बाद में मुझे पता चल रहा है कि भाई बहुत सारे फैंस लोग इस वाले डब को लेकर इतना खुश क्यों नहीं है। मुझे अभी भी याद है कि जब मैंने सबसे पहले वन पीस को देखा था वो प्रॉपर टीवी के ऊपर आता था हिंदी डब के अंदर। तुम झुक जाओ, गम, गम, लेकिन अगर हम उस वाली पुराने वाली डबिंग को फिर से देखने जाए तो भाई वो वाली डबिंग काफी ज्यादा बुरी लगती है और खास करके उस टाइम वन पीस को लेकर काफी ज्यादा सेंसरशिप करके रखी गई थी। भाई वहाँ पर गन्स की जगह पे उन लोगों ने भाई पिचकारियों को दी गई थी और वहाँ पर सांजी के हाथ में सिगरेट की जगह पे लॉलीपॉप थमा दिया गया था। उसके बाद में मैंने वन पीस की ऑफिशियल हिंदी डबिंग वन पीस के रेड मूवी के टाइम पे देखी थी, तब तो भाई मेरे को एकदम से रोना ही आ गया था। माना कि इन लोग को डबिंग के अंदर अटैक्स के भी नाम चेंज करने पड़ते हैं, लेकिन भाई अगर उन लोग ने अटैक को ही ढंग से नाम नहीं दिया तो भाई वो सुनने के लिए काफी ज्यादा अजीब लगता है। खैर तो ट्रांसलेटर की गलती की उसने भाई जापानीज वर्ड को सीधा हिंदी में कन्वर्ट करके कुछ भी लिख दिया। खैर यहाँ पर ये तो सेकंड गलती है, यहाँ पर मेरे हिसाब से मेन गलती ये है कि उन लोग ने जिन वॉइस एक्टर को हायर करके रखा है उन लोग में से आधे से ज्यादा वॉइस एक्टर की जो आवाज है भाई वो इन सारे कैरेक्टर्स को सूट ही नहीं करती है। पता नहीं भाई ये हिंदी डबिंग वाले एनिमे को क्या सोचते हैं, वो एनिमे को एक कार्टून की तरह ट्रीट करके उसकी डबिंग भी ये कार्टून जिसे कर देते हैं। आज तक मुझे एक ही एनिमे की हिंदी डबिंग सबसे ज्यादा पसंद आई है जो कि अपने ड्रैगन बॉल की डबिंग। यहाँ पर वन पीस के केस में हम सबसे पहले जाते हैं लुफी की वॉइस की तरफ, जहाँ पर आपको भी पता होगा कि लुफी को भाई जापानीज और इंग्लिश डब के अंदर एक फीमेल ने वॉइस दी है जिसकी वजह से लुफी की जो आवाज है वो काफी ज्यादा स्मूथ लगती है। और ये बस लुफी तक सीमित नहीं है, जहाँ पर आपको पता होगा कि नारुतो और गोकू को भी एक फीमेल वॉइस एक्टर ने अपनी आवाज दी है, लेकिन हिंदी डब के केस में यहाँ पर पूरा उल्टा है। माना कि अगर लुफी को कोई फीमेल वॉइस एक्टर हिंदी डब में आवाज देती तो भाई लुफी पूरा लड़कियों जैसा साउंड करता, लेकिन लुफी की जो आवाज है वो जापानीज और इंग्लिश डब के अंदर हमेशा काफी ज्यादा एनर्जेटिक रहती है। लाइक लुफी जो है वो हमेशा एनर्जी से भरा हुआ रहता है, लेकिन हिंदी डब के अंदर मुझे लुफी की वो एनर्जी देखने को नहीं मिली। क्या तुम मेरा एक डाउट क्लियर करोगी, ये जगह वानो का देश है या नहीं है? ऐसा नहीं है कि लुफी की हिंदी डबिंग वाली आवाज काफी ज्यादा बोरी है। मुझे पता है कि आगे आने वाले एपिसोड के अंदर लुफी की आवाज काफी ज्यादा गुना मैच करने लग जाएंगी, लेकिन सबसे ज्यादा बुरी मुझे आवाज लगी अपने नामी और ग्रुप की। नामी के केस में तो ऐसा लग रहा है कि नामी अपने बॉडी से यंग है लेकिन उसकी आवाज से वो बुढ़ी हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर ब्रुक के केस में तो उल्टा ही है। ब्रुक यहाँ पे 70 साल का बंदा है लेकिन उसकी आवाज भाई किसी 20 साल के बंदे की जैसे आ रही है। और रही बात यहाँ पर जोरो और सांजी की, तो भाई सांजी की आवाज तो यहाँ पर बिल्कुल भी मैच नहीं कर रही है। और अपना जोरो जो है उसकी आवाज में भाई वो डीपनेस तो है लेकिन भाई ऐसा लग ही नहीं रहा कि ये बंदा जोरो है। जोरो की मैंने सबसे ज्यादा बेटर हिंदी डबिंग वाली आवाज सुनी थी भाई वन पीस के लाइव एक्शन में, जो कि संकेत मात्री की थी। मुझे पता नहीं यहाँ पर वो लोग ने जोरो की वॉइस के लिए फिर से संकेत मात्री को चूज क्यों नहीं करा। मुझे इस वाले डबिंग के अंदर रॉबिन, ओतामा और किनिमोन की आवाज सबसे ज्यादा पसंद आई है, और बाकी फ्रेंकी के बारे में तो भूल ही जाओ, जो कि एक गीगाचार जिसे साउंड करता था उसको तो भाई हिंदी डबिंग के अंदर एक जोकर ही बना के रख दिया। मेरे हिसाब से कार्टून नेटवर्क का ये वाला डिसीजन सबसे ज्यादा गंदा था कि उन लोग ने वन पीस को लाया तो सीधा वानो से लाया, और इसी के चक्कर में डबिंग जो है वो काफी ज्यादा परफेक्ट नहीं है। अगर वो स्टार्टिंग से वन पीस को लाते तो भाई धीरे धीरे करके इनकी डबिंग भी काफी ज्यादा अच्छी हो जाती। अब तो भाई हम वन पीस फैंस यही प्रार्थना कर सकते हैं कि भाई आगे आने वाले एपिसोड के अंदर हमको वन पीस की डबिंग थोड़ी सी अच्छी देखने को मिल जाए। लाइक भाई थोड़ा बहुत आवाज भी कैरेक्टर्स के साथ में मैच हो जाता है तो भाई देखने के लिए इतना ज्यादा बुरा तो नहीं लगेगा, और देखने वाले तो हम ओल्ड ही फैन है क्योंकि भाई कोई भी नया बंदा भाई सीधा आधे से ज्यादा स्टोरी स्किप करके सीधा वानों से तो नहीं देखने वाला। तो आपका इस वाली हिंदी डबिंग को लेकर क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। तो चलो गाइस आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूं आपको आगे आने वाले किसी वीडियो के अंदर, तब तक के लिए सायोनारा।